आइए आज हम पढ़ते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसे कहा जाता है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी अप्लाइड मैकेनिक्स में हमने आपको फ्रिक्शन तक पढ़ा दिया है, घर्षण तक, और अगला हमारा टॉपिक रहेगा धरण। क्योंकि अप्लाइड मैकेनिक्स में पिछला जो सिलेबस था उसमें धरने था, लेकिन नए वाले सिलेबस में आपका धरण नहीं है। लेकिन तब भी हम आपको पढ़ा देते हैं कि अगर धरण से क्वेश्चन बनते हैं तो धरण से क्वेश्चन बस बनेंगे तो रिएक्शन निकालने के लिए, प्रतिक्रिया निकालने के लिए, कि किसी धरण पर कोई लोड लग रहा है तो कितना रिएक्शन आपका निकलेगा, कितना प्रतिक्रिया आपका निकलेगा। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि धरण कितने टाइप की होती है और किस प्रकार के धरण पर हमें प्रतिक्रिया में ज्ञात करना है। तो देखिए धरण के प्रकार, धरने आपकी मुख्यतः पांच प्रकार की होती हैं। पहला होता है सिंपली सपोर्टेड, जिसे कहते हैं शुद्धालंबित। दूसरा होता है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर भी इसे कहते हैं प्रास धरण। तीसरा होता है आबद्ध धरण या फिश भी आबद्ध धरण। चौथा होता है आपका सतत धरण या कंटिन्यूअस। कहते हैं सतत धरण। पांचवा है बाहर निकली धरण या ओवर हैंगिंग भी। बाहर निकली धरण, देखिए पांच प्रकार की धरणें आपकी होती हैं। पहला होगा शुद्ध सिंपली सपोर्टिव बीम शुद्धालंबी धरण, दूसरा होगा कैंटिलीवर या प्रास धरण, तीसरा होगा आपका फिक्स्ड बीम या आबद्ध धरण, चौथा होगा कैंटिलीवर बीम या सतत धरण, पांचवा होगा हैंगिंग बीम या बाहर निकली धरण। सबसे पहले जानेंगे शुद्धालंबी धरण क्या होता है। शुद्धालंबी धरण ऐसी धरणें होती हैं जिनके दोनों ओर सरल टेक लगे होते हैं, सरल ऐसे टेक लगे होते हैं और इन पर कोई भी ऊर्ध्वाधर भार कार्य कर सकता है। यानी कि इस प्रकार के धरण पे केवल हम ऊर्ध्वाधर भार ही कार्य कर सकते हैं, बाकी हम कोई इंक्लाइंड फोर्स नहीं लगा सकते। अगर इंक्लाइंड फोर्स लगाएंगे तो बीम क्या हो जाएगा, प्रत्येक से हट जाएगा। ठीक, यह हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा आपका कैंटिलीवर बीम। तो जो प्रास धरण होता है इस धरण का एक सिरा बद्ध होता है, दूसरा सिरा क्या होता है मुक्त होता है। दूसरा हो गया कैंटिलीवर बीम। इस धरण का एक सिरा फिक्स होता है, देखिए यह आपका फिक्स है, यह क्या है स्वतंत्र है, यह सिरा स्वतंत्र है, सिरा क्या फिक्स है, इसे बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। कभी कभी सिरे को हम हिंज भी कर देते हैं, यहाँ पे हिंज भी कर दिया जाता है, कब्जेदार भी कर दिया जाता है। यानी कि इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इसको कब्जेदार बना दें या तो इसको क्या करें पूरी तरीके से इसको एक सिरे को बंद कर दिया जाए। आपका कैंटिलीवर बीम। तीसरा आपका फिक्स बीम। फिक्स बीम क्या होता है, जब किसी धरण के दोनों सिरे क्या होते हैं बंद होते हैं। ऐसे मान लेते हैं बीम है, इसके दोनों सिरों को आप बंद कर दीजिए या टेक है ऐसे बंद कर दीजिए, यह क्या होगा आपका फिक्स बीम हो गया। यानी कि इस पर कोई भी लोड आप लगा सकते हैं, चाहे ऊर्ध्वाधर चाहे इंक्लाइंड कोई भी फोर्स आप लगा सकते हैं। चौथा आपका कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, जब किसी धरण को टिकाने के लिए दो से अधिक टेकों का प्रयोग करता है, यानी कि दो टेक नहीं दो से अधिक टेक होता है। जैसे मान लेते हैं कोई बीम है, इसको टिकाने के लिए एक टेक दो टेक हमने तीन टेक लगा दिया,
आपका होगा कंटिन्यूस बीम या सतत धरन हो जाएगा। पांचवा ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम का मतलब होता है कि ऐसी धरन जिसके एक सिरे अपनी टेक से क्या हो बाहर निकले हुआ। जैसे मान लीजिए कोई बीम है, इस बीम का एक सिरा अपने टेक से बाहर निकला है, यह सिरा टेक पे है, यानी कि यह टेक है तो यह टेक से एक सिरा क्या आपका बाहर स्थित है। अब ये इतने बीम के लिए जितने प्रकार के टेकों का प्रयोग करते हैं, टेक या जिसे बोलते हैं सपोर्ट, सपोर्ट सपोर्ट के लिए टाइप का प्रयोग करते हैं तीन टाइप का। पहला होता है सरल टेक, सरल टेक या सिंपल टेक, ऐसे कहते हैं रोलर, इसे कहा जाता है रोलर भी, रोलर लगा देंगे तो रोलर टेक हो जाएगा। दूसरा होता है कब्जेदार टेक, तीसरा होता है आबद टेक, आबद टेक। तीन प्रकार की टेकों का प्रयोग करते हैं। तो जो टेक होते हैं वह वर्टिकल मेंबर होते हैं या आपका वर्टिकल मेंबर होता है, वर्टिकल मेंबर। अभी क्या होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, यानी कि जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं उनको हम बीम कहते हैं, और जितने भी वर्टिकल मेंबर होते हैं बीम को टिकाने के लिए उनको क्या कहा जाता है, टेक कहा जाता है। आई बस समझो। तो चूंकि आपको यह आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, सेकेंड ईयर में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हमें यहाँ पे कुल निकालना है रिएक्शन। तो हम रिएक्शन किसके लिए पढ़ेंगे, केवल सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सुधारित धरन के लिए कितने टाइप के लोड लगेंगे और कितने टाइप का रिएक्शन हमारा निकल सकता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ लोड, कि लोड कितने टाइप से हमारा पूछा जाता है। देखिए भार कितने टाइप्स लग सकते हैं, भार आपके मुख्यतः जो कहा जाता है चल भार, भार तो आपको कई टाइप होते हैं, पांच प्रकार के भार होते हैं। पहला होता है चल भार, दूसरा होता है चल भार, तीसरा होता है वायु भार, जल भार, फिर हिम भार, और भी आपके लोड लगते हैं, प्रत्यावर्तन लोड आपका लगता है, तमाम तरीके के लोड लगते हैं, जैसा आपका स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार से आपका लोड लगता है। लेकिन हमें जो इन पे जो रिएक्शन के लिए जो पढ़ना है, हमें इतने लोड के लिए पढ़ना है, जैसे पॉइंट लोड बिंदु भार, यूडियल लोड समवितरित भार, और ट्रायंगल लोड त्रिभुजाकार भार, तीन तरीके के लिए पढ़ना है, यानी कि बिंदु भार, समवितरित भार और आपका ट्रायंगल लोड के लिए। तो हम एक क्वेश्चन इस पे बता रहे हैं, एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं, कि जैसे मान लेते हैं कोई बीम हो, जैसे मान लेते हैं बीम है या कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ दिया है 5 मीटर, इस पे आपका मान लेते हैं पूरा यूडीएल लगा हो, यूडीएल कितने का लगा है 2 किलोमीटर प्रति मीटर। मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है 10 किलो न्यूटन, या मान लेते हैं 2 मीटर की दूरी पर लगा है, या पॉइंट लोड 2 मीटर की दूरी पर लगा, पूरा यूडीएल 5 मीटर पर लगा है, यह सिरा ए है, यह सिरा क्या है बी। अब हमें ए और बी पर रिएक्शन निकालना है, टेको पर रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन आपकी कहाँ निकलेगी, जो आपकी सपोर्ट लगे उसी पे आपका रिएक्शन निकलेगा। तो माने हैं रिएक्शन ए माने हैं, इसे बी माने हैं, तो यहाँ से रिएक्शन निकलेगा आर ए, और यहाँ से रिएक्शन निकलेगा आपका आर बी। हम इस नियम पे निकालेंगे कि वर्टिकल में जितने फोर्स लग रहे हैं ऊपर से ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, उन सभी का बीजगणित की वापस में क्या होगा आपका शून्य के बराबर कर दीजिए। तो देखिए नीचे से ऊपर की ओर लोड कितना लग रहा है, आर ए और आर बी, ये नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर कितना लोड लग रहा है आपका 10 किलोमीटर का, और यह यूटीएल लग रहा है। आई बस समझ लू। तो लिखेंगे आर ए प्लस आर बी बराबर 10 किलोमीटर का लोड लगा है, 10 प्लस यहाँ यूटीएल लगा हुआ है, यूडीएल कितने का लगा 1 मीटर पर 2 किलोमीटर का, 1 मीटर पर 2 किलोमीटर का, तो प्रति मीटर पे हमेशा यूडीएल वर्क करता है। यूडीएल कैसे वर्क करता है, प्रति मीटर पर। जैसे बीम पे मान लेते किसी स्लैब का लोड आ रहा है, तो स्लैब का लोड कैसा होगा, यूडीएल होगा, अचल भार, ये भी अचल भार, ये भी कैसा आपका अचल भार है। अब 1 मीटर पर 2 किलोमीटर का लग रहा है,
इसको पूर्ण भाग में बदलने के लिए इसके पार्ट की लंबाई से गुणा कर दीजिए, यानी कि एक मीटर पे दो का लग रहा है तो कितने दूर लग रहा है, पांच मीटर पे, तो पांच मीटर पे कितना हो जाएगा टोटल लोड, पांच दूनी दस, यानी कि पांच गुणे दो, पांच गुणे दो। जब भी यूरिया लगेगा तो जितने दूरी पे यूरिया लगा है उतने से उतनी डिस्टेंस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल लोड हमारा वह निकल जाएगा। यह भाई कितना आ जाएगा आपका, दस पांच दूनी दस, दस दस बीस किलो लीटर। अब सेकंड पे आगे किसी एक बिंदु पर मोमेंट ले लीजिए, अब किसी एक बिंदु पर मोमेंट लेंगे या तो ए पे लीजिए या तो आप बी पे लीजिए, किसी एक पॉइंट पर मोमेंट ले लीजिए तो हम पॉइंट ए पे यानी कि बिंदु ए पर सभी बलों का आघूर्ण लेते हैं, लिखेंगे ए बिंदु पर सभी बलों का घूर्ण लेने पर, लेकिन समेशन आप एम ए बराबर जीरो। अब आप आघूर्ण में पढ़े होंगे कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लगा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको आप पॉजिटिव लेते हैं तो क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट को क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे आप नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखिए कितने लग रहे हैं, अगर बिंदु ए पे आघूर्ण लेंगे तो देखिए बिंदु ए से आर के कितने दूरी पे है, पाँच मीटर पे है, या बिंदु ए की वर्ता करे घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस लेके मूवमेंट करेगा, या पांच मीटर का ऐसे रोटेट करेगा, यानी कि ऐसे रोटेट करेगा, आई बस समझे तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, लिखेंगे आर बी गुणे पांच एंटी क्लॉकवाइज प्लस। अब आइए यूडीएल की बात होती है, तो सबसे पहले यूडीएल को आप पूर्ण लोड में बदलिए, क्योंकि यह एक मीटर पे दो किलोमीटर का लग रहा है और आपके पार्ट की लंबाई कितनी है, पांच मीटर, तो पांच मीटर पे कितने का लगेगा, पांच दूनी दस किलो न्यूटन का लगेगा, दस किलोमीटर का लगेगा टोटल लोड इसका होगा। आया टोटल लोड कहाँ काम करेगा, अपने पार्ट के सेंटर पे काम करेगा, केंद्र पे काम करेगा, तो यूडीएल चले लीजिए तो एक मीटर पे दो, तो पाँच मीटर पे दो गुड़े पाँच, गुड़े पाँच का आधा करेंगे तो टोटल आपका या लोड यूडीएल यहीं पे काम करेगा, यहाँ मूवमेंट ले रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस पर काम करेगा, ढाई मीटर पे पाँच बटे दो कर देंगे, यह दूरी हो गया, क्योंकि हमारा आगुड़ बराबर होगा बल गुड़े लंबवत दूरी, बल यह हो गया दो गुणी पांच, अधूरी कितना होगा पांच बटे दो, यह कैसे कार्य करेगा आपका क्लॉकवाइज बस। अब आते हैं बिंदु भार के लिए, बिंदु भार कितने दूर लगा है, दो मीटर की दूर लगा है, कितने का लगा है दस किलोमीटर का, अगर यह मूवमेंट करेगा तो कैसे जाएगा क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक का डायरेक्शन में क्या होगा मूवमेंट करेगा, दो मीटर की दूरी लेकर कैसे मूवमेंट करेगा, किसके पर था बिंदु एक पर, आई बात समझ में, लिखेंगे दस गुणे दो, दस गुणे दो क्लॉकवाइज। अब आरे कैसे बिंदु पर मूवमेंट लेंगे, तो आप जानते हैं अगर आप आरे का मूवमेंट लेंगे उसी बिंदु पर तो आरे तो बल है लेकिन इस बिंदु से और आरे के बीच की दूरी क्या है, जीरो है, क्योंकि हमेशा मूवमेंट में जो दूरी लिया जाता है हॉरिजॉन्टल लिया जाता है, बल से क्षैतिज दूरी ली जाती है, वर्टिकल दूरी नहीं लेंगे, तो बल से क्षैतिज दूरी क्या है हमें जीरो है, लेकिन आरे गुणे क्या होगा जीरो। अगर ऐसे नहीं समझ मारा तो इतना जानिएगा कि जिस बिंदु पर मूवमेंट लीजिएगा उस बिंदु पर जितने भी बल लगे हैं उनकी सबकी क्षैतिज दूरी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। आप ए बल ले रहे हैं तो आर इसी बिंदु पर लगा है, जहाँ आप मूवमेंट ले रहे हैं तो इस बल की इस बिंदु से क्षैतिज दूरी क्या है जीरो, तो बल तो है लेकिन दूरी क्या है जीरो बराबर जीरो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज जैसे प्लस होगा तो पाँच आर भी हो जाएगा, पाँच आ रही है, या क्लॉकवाइज है तो माइनस होगा तो दो से दो कटेगा तो पाँच पच्चीस पच्चीस माइनस पच्चीस, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा माइनस में होगा, ये भी क्लॉकवाइज है ये भी माइनस होगा दस दूनी बीस, या वैल्यू जीरो हो जाएगा तो कोई मतलब उसका नहीं बराबर जीरो, तो बीस और पच्चीस कितना हो जाएगा आपका पैंतालीस, अब पैंतालीस इधर जाएगा तो पाँच आर भी बराबर हो जाएगा आपका पैंतालीस किलो न्यूटन, तो आर भी बराबर हो जाएगा आपका पैंतालीस बटे पाँच, उसको काटिए पाँच नौ पैंतालीस, यानी कि कितने का बल आएगा नौ किलोमीटर का बल आएगा, जो बल आएगा आपका वह नौ किलोमीटर का आएगा। देखिए आर भी का मान कितना आएगा आपका नौ किलोमीटर। अब आर भी का मान इस समीकरण एक में पुट करेंगे आर बी पर तो आर का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा, तो आर ए प्लस आर बी नौ
बराबर कितना है 20 किलोमीटर, तो आरए बराबर होगा यह 9 इधर प्लस 9 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 9 तो आरए बराबर हो जाएगा 20 में से 9 जाएगा कितना देगा आपका 11 किलोमीटर, यानी कि आरए 11 किलोमीटर होगा और आरए कितना हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर का हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, फर्स्ट। अब सेकंड टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइए सेकंड टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि ट्रायंगल लोड लगा हो, त्रिभुजाकार लोड लगा हो, या चूंकि आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि रिएक्शन निकालिए, चाहे आपका सिलेबस में भी हो चाहे ना हो, लेकिन रिएक्शन पूछता है, आग्रह पूछता है, क्योंकि आपने आप आग्रह पढ़ चुके हैं, इसमें केवल आपको आग्रह नहीं लेना होता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन हम साफ करके बता दिए। अब आते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में। सेकेंड जब ट्रायंगल लोड लगा तब हम कैसे निकालेंगे, मान लें कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें एक पॉइंट लोड लगा है और एक ट्रायंगल लोड लगा है, तो मान लें या कोई बीम है, इस बीम की लंबाई मान लेते हैं 4 मीटर है, किलोमीटर है 4 मीटर, मान लें कि 2 मीटर से सेंटर से इसका एक ट्रायंगल लोड लगा है ऐसे, और इसकी वैल्यू मान लें हम यहाँ पे जो लगा हुआ है यालो यह 2 किलोमीटर नहीं प्रति मीटर का लगा है, ट्रायंगल भी प्रति मीटर पे लगता है, और मान लें यहीं पे एक पॉइंट लोड लगा है आपका 5 किलोमीटर का, और दूरी कितनी आपकी है 2 मीटर, दूरी कितना दिया है 2 मीटर, इसका बेस कितना बचेगा, ये भी 2 मीटर बचेगा, ट्रायंगल का भी बेस जो बचेगा वह बचेगा आपका 2 मीटर, अब मान लें इस बिंदु का पॉइंट ए है, इस बिंदु का पॉइंट बी है, इस बिंदु का पॉइंट सी है, बिंदु ए बी सी, तीन पॉइंट हमने मान लिया, और हमें निकालना रिएक्शन आर ए और रिएक्शन आर बी, क्योंकि रिएक्शन कहाँ से निकलेगा, प्रतिक्रिया कहाँ से निकलेगा, केवल आपकी टेक से प्रतिक्रिया निकलेगी और बेस आपका प्रतिक्रिया नहीं निकलेगा, तो टेक पर हमें प्रतिक्रिया निकालना है तो देखिए क्या करेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेंगल टाइप के, तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। आप फिगर बना लीजिए, आइए देखिए यहां से रिएक्शन निकलेगा आ रही और यहां से रिएक्शन निकलेगा आ रही, और हम जानते हैं कि आरे प्रसार भी हो रहा होगा ऊपर वाले लोगों के योग के बराबर होगा, यहां से देखेंगे आरए प्लस आर बी बराबर, ऊपर से लोड कितने आ रहे हैं 2, एक ट्रायंगल एक पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड कितने का 5 का, और हमें ट्रायंगल का लोड लेना है, किसका लोड लेना है ट्रायंगल का, तो देखिए आप क्या करेंगे, ट्रायंगल का लोड लेने के लिए आप इसका एरिया ले लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए, क्षेत्रफल क्या ले लीजिए, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ही क्या कहलाएगा बल कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, इसका बल कहलाएगा, ट्रायंगल का बल कहलाएगा, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो आप जानते हैं कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार गुणे क्या होगा ऊंचाई होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई प्लस लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल
ही उसका बल होगा। फिर अगले लाइन से लिख देते हैं आर ए प्लस आर बी बराबर पांच प्लस ट्रेंगल का एरिया एक बटा दो गुणे आधार दो है, ऊंचाई कितनी है दो है, कट गया। तो आर ए प्लस आर बी बराबर होगा पांच और दो कितना हो जाएगा आपका सात, सात किलो न्यूटन। यह समीकरण एक मान कितना हो गया सात किलो न्यूटन। अब किसी एक बिंदु पर मोमेंट ले लेंगे तो मोमेंट लेंगे कितनी बल का लेंगे, ट्रेंगल का लेंगे, पॉइंट रूट का लेंगे और किसका लेंगे, रिएक्शन आर ए का और रिएक्शन आर बी का। समेशन आप एम ए बराबर जीरो, बिंदु ए पे सभी बलों का क्या ले रहे हैं हम आघूर्ण ले रहे हैं, तो आघूर्ण ले लीजिए अब आघूर्ण लेंगे बिंदु ए पर तो आर बी गुणे दूरी कितनी आपकी चार मीटर है, आर बी गुणे चार किस डायरेक्शन में लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा क्योंकि ऊपर की ओर लग रहा है प्लस। इस ट्रायंगल का एरिया लेना है तो ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो बल बनेगा और हम जानते हैं बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो इस ट्रायंगल का एरिया कहाँ काम करेगा, इसके सेंटर पे काम करेगा, इस त्रिभुज के सेंटर पे काम करेगा। अभी हम आपको बता रहे हैं तो एरिया इसका लेंगे एक बटा दो, आधार दो है, ऊंचाई कितनी है दो, अगुणे क्या चाहिए लंबवत दूरी चाहिए। तो देखिए लंबवत दूरी के लिए क्या करेंगे, यही ट्रायंगल हम यहाँ बना रहे हैं, यह दूरी कितनी है दो मीटर। तो जो इसकी डिस्टेंस जो काम करता है, सेंटर जो काम करता है, इसका सेंटर काम करेगा यहाँ, इस ट्रायंगल का सेंटर काम करेगा यहाँ, यानी कि इतना बल जो काम करेगा वह यहाँ पे काम करेगा। यहाँ से कितनी दूरी काम करेगा, टू एच बाई थर्ड पे आई बस टू एच बाई थर्ड। तो हम अगर इस अक्ष पे जा रहे हैं, क्षैतिज अक्ष पे जा रहे हैं, तो दूरी कितना लेंगे दो मीटर, यानी कि यहाँ से यह डिस्टेंस जो होगा दो गुणे दो बटे तीन, दो गुणे दो बटे तीन से। लेकिन अगर ऊंचाई से लेते तो ऊंचाई से यह डिस्टेंस कितना हो जाता, यह होता दो बटे तीन, यानी कि एक बटा थर्ड काम करता है, एक बटा थर्ड काम करता है। और इसके सिरे से जो काम करेगा वो टू बाई थर्ड अगुणे बी, यहाँ से कितना काम करेगा टू बाई थर्ड, टू बाई थर्ड पे काम करेगा। आई बस समझ में, अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हैं ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ से काम करेगा टू बाई थर्ड पे और यहाँ से काम करेगा वन बाई थर्ड पे काम करेगा। तो चूंकि हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है तो जब आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालेंगे तो यह काम करेगा टू बाई थर्ड गुणे या डिस्टेंस की नहीं आती है दो मीटर गुणे दो प्लस। अब प्लस क्यों लिखे, क्योंकि आप मोमेंट यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ से इसका सेंटर काम किया ना, बाकी यह दूरी हमारी छूट रही है, इस दूरी को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा दो, यानी कि दो प्लस यह जो डिस्टेंस होगा इसके सेंटर तक यहाँ से यहाँ तक टू बाई थर्ड गुणे दो हो गया। अब प्लस दो क्या करेंगे ऐड करेंगे तभी हमारा यहाँ ए पे पहुँचेगा। आई बस समझ में, अब यहाँ से वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब अगला ये पॉइंट रूट लेते हैं तो किस डायरेक्शन में काम करेगा क्लॉकवाइज। अब पॉइंट रूट क्या आते हैं तो पाँच गुणे डिस्टेंस कितनी है दो मीटर, या कैसे मूवमेंट करेगा दो मीटर की दूरी लेकर के पाँच गुणे दो आर एक वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि आपको हम बताएं तो उसको छोड़ दे रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा जीरो। इसको सॉल्व करिए, या फोर आर बी हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस है, या क्लॉकवाइज है तो माइनस होगा। एक दो से एक दो क्या करिए काट दीजिए, दो दूनी चार बटे तीन इसको जोड़ लीजिए, चार बटे तीन आप प्लस कितना आपका है दो है, लिख देते हैं किस्टेप में दो गुणे चार बटे तीन आप प्लस दो माइनस, ये भी करा पाए जाए तो माइनस होगा पाँच दूनी दस बराबर जीरो। अब देखिए इसके बटे एक है एक और तीन का लघुत्तम कितना हो जाएगा तीन, आप इसको जोड़ लीजिए भिन्न के जोड़ से, या इसके बटे एक है तीन दूनी छः चार दस, दस बटे कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, और दस बटे तीन को लिख सकते हैं तीन दशमलव तीन तीन। आई बस समझ, अब उन्हें दो करेंगे इसको तो दस दूनी बीस बटे तीन हो जाएगा, तो बीस बटे तीन को लिखेंगे तीन छः अठारह छः दशमलव छः छः, यानी कि फोर आर बी माइनस छः दशमलव छः छः माइनस दस बराबर जीरो। इसको इसको जोड़ दीजिए तो जस्ट दस छः कितना जाएगा सोलह, सोलह दशमलव छः छः उधर लिख देते हैं
इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 10 में 6 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 4 RB बराबर होगा 16.66 किलो न्यूटन। तो आर भी बराबर होगा 16.66/4 किलो न्यूटन। आप इसको साफ कर लीजिए, यह हो गया आपका आर भी। अब आर ए निकालेंगे तो आर बी का मान पुटअप करेंगे तो आर ए प्लस आर बी का मान कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, हम कैलकुलेट करके बताते हैं। वैल्यू होगा 4.165 ऐसे का लिख देते हैं 4.165 बराबर वैल्यू कितनी है आपकी 7 किलोमीटर। तो आर बराबर होगा 7 या प्लस इधर जाएगा माइनस होगा 4.165। आप माइनस कर लीजिए जो आर आर बी की वैल्यू है उसको, क्या क्या ए भी क्यों रिटर्न होगा। यह हो गया आपका रिएक्शन निकालने के लिए, अगर इतने टाइप का लोड देगा, अगर मैं ट्रायंगल लोड पॉइंट लोड देता है तब कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे अगर इंक्लाइंड लोड लगा रहेगा तब कैसे निकालेंगे, या ट्रायंगल यूडीएल भी साथ में लगा हो तब हम कैसे इसको हम निकालेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए और आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिएक्शन निकालने के लिए थर्ड मेथड बताएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ेगा क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर पूछे जाएंगे तो आप करिएगा, अगर नहीं पूछे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा रिएक्शन निकालने के लिए, और 2-4 न्यूमेरिकल भी आपको दे देंगे, आप उस न्यूमेरिकल पर अभ्यास करिएगा कि हम रिएक्शन कैसे निकालेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो हम आपको दोबारा उसको क्वेश्चन को हम समझा देंगे। आप इस पूरा वीडियो देखने पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो आपका पहुंच सके। धन्यवाद। नोट कर लीजिए इसको।